बिहार पंचायत चुनाव सुपौल के जिला मरोना प्रखंड ललमिनिया पंचायत से मुखिया पद से चुनाव जीतने के बाद मीडिया से खास बातचीत में अनिल आनंद ने बताया कि वो अपने पंचायत में विकास का काम करेंगे, साथ ही सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको धरातल पर लाएंगे। साथ ही पंचायत में राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना जैसे विकास कार्य योजनाओं को पहले काम किया जाएगा और स्वास्थ्य शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। साथ ही सुनते हैं उन्होंने और क्या कहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले ललमनिया पंचायत के सभी मतदाता मालिक को हम प्रणाम करना चाहते हैं। जी आप मुझे ये बताइए, ललमनिया पंचायत के यहाँ के युवाओं ने, गरीबों ने आपको अपार समर्थन देकर मुखिया के रूप में चुन लिया है और इस पंचायत की बागडोर आपके ऊपर सौंप चुका है। अब आपके नेतृत्व में, प्रतिनिधित्व में इस पंचायत में आपका विकास योजना क्या रहेगा, आपका कार्यकाल किस तरह का रहेगा और आपकी मूल प्राथमिकता इस पंचायत में क्या रहेगी? इस पंचायत में विकास के लिए हमारी मूल प्राथमिकता होगी शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य के अतिरिक्त इस पंचायत में न कोई हॉस्पिटल है, न उप स्वास्थ्य केंद्र है, न पशु चिकित्सालय है न और कहीं भवन का स्कूल भवन का भी निर्माण कई जगह अधूरा है, जहाँ ठीक ढंग से शिक्षा व्यवस्था नहीं चल रहा है। तो हमारा कोशिश रहेगा कि शिक्षा प्लस स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें। इसके अतिरिक्त जो भी रोड सड़क है, गरीबों का इंदिरा आवास जिसको छूट गया है, वृद्धा पेंशन में समस्या है, विधवा पेंशन में समस्या है, जितनी भी समस्या रह चुकी है उस सब समस्या का हम समाधान करेंगे। आपके इस पंचायत में कुल कितने वार्ड आते हैं? इस पंचायत में कुल 17 वार्ड है। जी 17 वार्ड है और 17 वार्ड में यहाँ जो देखा जा रहा है, अभी यहाँ की ज्वलन समस्याएं, सड़क की बदहाल स्थिति है, शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बदतर है, तो आप ये मुझे बताएंगे कि आपकी मूल प्राथमिकता क्या रहेगी? मूल प्राथमिकता जैसे सड़क तो है ही, उसके साथ शिक्षा में हम चाहते हैं और उसके साथ हम लोग नारी सशक्तिकरण पर विशेष बल देना चाहते हैं, नारी को सशक्त करना चाहते हैं। जी ठीक है, उसके लिए जो भी कार्य करना पड़े, स्वयं सहायता समूह बनाकर हो या सरकार तो बहुत सारी योजना बनाती है नारी सशक्तिकरण के लिए, उस योजनाओं के तहत पंचायत की जितनी भी महिलाएँ हैं उसको हम लोग सशक्तिकरण की ओर ले जाना चाहता ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके और आत्मनिर्भर भारत बनने का जो सपना है उसको साकार करें। आप एक नौजवान हैं, युवा हैं, युवाओं ने भी आपको जीत सुनिश्चित कराने के पीछे बहुत बड़ा योगदान दिया है, इस पंचायत के खास करके युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया, सहयोग दिया, उसके लिए हम युवाओं को तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं। जी आप मुझे ये बताइए कि इस पंचायत में जो है अब आपकी जो है जो भी सहभागी हैं वो तो आप काम करेंगे हैं। जी जी, लेकिन खास करके यहाँ जिस तरह से महिलाओं के बारे में आपने जानकारी दिए हैं तो उसी तरह से यहाँ पे देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे मतलब निम्न वर्ग के लोग हैं। जी जी, इसमें जो है बहुत सारे गरीब वर्ग आते हैं, शोषित पीड़ित हैं, बहुत बहुत हाँ, जो गरीबी रेखा से बहुत निम्न कैटेगरी के रेंज में आते हैं। उन लोगों का बहुत सारे पंचायत में हमने गया तो देखा कि उन लोगों का राशन कार्ड में नाम नहीं है, बीपीएल एपीएल जो होता है उसमें नाम नहीं है, वृद्धा पेंशन का जो है उसको योजना का लाभ नहीं मिलता है, ऐसे बहुत सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। क्या आपके पंचायत में ऐसा है? जी ये समस्या हमारे पंचायत में भी है, जैसे अभी हम 6 महीना से कैंपेन कर रहे थे और घर घर जाके सबकी समस्या सुन रहे थे तो उसमें यही बात समझ में आया कि जो वास्तव कुछ ऐसे बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, घर वाले हैं जो राशन कार्ड के हकदार हैं लेकिन उसके घर में राशन कार्ड नहीं है, राशन के अभाव में। तो इस बार क्या लगता है आप, मतलब राशन कार्ड का जो भी समस्या होगा खत्म हो जाएगा? राशन कार्ड का जो भी समस्या है वो पूरा निश्चित रूप से वो खत्म हो जाएगा, इसके लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे और अभी चुनाव से पहले भी हम बहुत प्रयास किए, लगभग 200 से 250 राशन कार्ड जो है वितरण किए हैं, ठीक है अपने स्तर से बनवा के। सर एक सवाल और है। जी ये कोसी इलाका तटबंध एरिया का क्षेत्र है, इसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के मतलब क्षेत्र में आता है ये मरोना प्रखंड का ये पंचायत, तो इसमें किसान का जो समस्या है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसान का तो बहुत बड़ी समस्या है, जैसे कभी बाढ़ आ जाती है, फसल नुकसान हो जाता है तो उस फसल नुकसान का मुआवजा सही ढंग से सही समय पे नहीं मिल पाता है। जैसे अभी का जो वर्तमान समस्या किसानों का खाद,
खाद नहीं मिल पा रहा है। अभी निर्मली जाके देखिए खाद दुकान पे, खाद के बिना अभी गेहूं नहीं बुन रहा है किसान। तो इसकी व्यवस्था कैसे की जाए, है ना, इसके लिए हम निरंतर आगे कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले समय में किसान को किसी तरीके का कठिनाई का सामना न करना पड़े। चाहे बीज हो, खाद हो, उर्वरक हो, कोई भी हो, कोशिश ये करेंगे अपने स्तर से सौ समय उसको मिल जाए ताकि उसकी खेती में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, हमारा भी रहेगा कि आप अपने पंचायत का विकास करें, इसमें मेरा भी सहयोग रहा। कुछ और आदमी से जुड़ते हैं यहाँ के और जानते हैं। सर आप अपना परिचय दीजिएगा। राकेश रंजन। पंचायत कौन सा है ये? लालमनिया। लालमनिया, ये जो मुखिया लालमनिया से मुखिया जीते हैं, मुखिया पद से जीते हैं, आगे आने वाले 5 साल में लगता है आपको काम करेंगे अच्छा से? जी सर। आप लोगों ने इसको जिताया तो मतलब क्या भरोसा करके आपको इसको वोट किया था? हम लोगों ने सर को जिताया, बहुत उम्मीद था कि सर पंचायत को विकास करेंगे और हमारे पंचायत में खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य की कोई अभी तक समस्या तो नहीं लगता है कि आगे आने वाले में शिक्षा में सुधार हो जाएगा। जी सर जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन रजक की रिपोर्ट।